फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल इज डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स बाय इलेक्शन कैंडिडेट। क्या है आर्टिकल का नाम? डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स बाय इलेक्शन कैंडिडेट्स। जो इलेक्शन कैंडिडेट हैं, जो कि इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, वो अपने एसेट्स को डिस्क्लोज करेंगे कि भाई मेरे पास इतना सामान है, ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा कि इलेक्शन कैंडिडेट्स के पास राइट टू प्राइवेसी है। किन मामलों में? उन मामलों में जिन मामलों का कोई भी वोटर से लेना देना नहीं है, नो कंसर्न टू वोटर्स, या फिर और ऐसे मामले जो इररिलेवेंट हैं कैंडिडेचर ऑफ द पब्लिक, कैंडिडेचर ऑफ पब्लिक लाइफ, ठीक है, इररिलेवेंट टू कैंडिडेचर ऑफ पब्लिक लाइफ। इन चीजों के लिए, मतलब कोई आदमी अगर अपने पास इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एसेट्स उसको डिस्क्लोज करने पड़े, उसके पास राइट टू प्राइवेसी है। और उन मामलों के लिए राइट टू प्राइवेसी है जिसका वोटर्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, नो कंसर्न टू वोटर्स। अब स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो कि रिगार्डिंग डिक्लेरेशंस बाय इलेक्शन कैंडिडेट, देखो राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसका सेक्शन 33 में कह रखा है कि सिर्फ क्या क्या रखा है इसमें, यह कह रखा है कि डील्स विद द नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, डील्स विद नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, और ये जो कैंडिडेट्स हैं प्रेजेंट करें वैलिड इंफॉर्मेशन खुद के बारे में, ठीक है। सेक्शन 33 क्या कह रहा है कि भाई कैंडिडेट्स को नॉमिनेशंस के बारे में बात कर रहा है, और ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कैंडिडेट्स को अपनी वैलिड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है। फिर आता है सेक्शन 36 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, सेक्शन 36 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर किसी ने अपना नॉमिनेशन करवा दिया तो जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके पास ये पावर है कि वो स्क्रूटनी कर सके नॉमिनेशन की, क्या कर सके, रिटर्निंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो स्क्रूटनी कर सके नॉमिनेशन की, और उसके बाद अगर नॉमिनेशन में कोई दिक्कत है तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्ट ऑफ सब्सटेंशियल कैरेक्टर ऐसे नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। दिस वॉज दिस स्मॉल आर्टिकल।